दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु का जबरदस्त किरदार निभाने वाले अभिनेता हर्षद चोपड़ा को कौन नहीं जानता है, और आज इन्हें हर एक शख्स बहुत ही पसंद करता है। साथ ही लड़कियों में इनका क्रेज बेहद देखा जाता है। तो वहीं हम आपको बता दें कि हर एक लड़की इन्हें अपना बॉयफ्रेंड और इनसे शादी करना चाहती है, लेकिन वही हर्षद चोपड़ा इतने गुड लुकिंग होने के बावजूद भी इन्हें दो लड़कियों से मिल चुका है धोखा। जी हाँ दोस्तों, दो लड़कियां इनका दिल तोड़ चुकी हैं। तो वो आखिरकार कौन सी है वो दो अभिनेता अभिनेत्रियाँ, आज हम आपको इन दोनों अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के अंत तक, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अभिनेता हर्षद चोपड़ा के बारे में कौन नहीं जानता है, जो आज टीवी इंडस्ट्री में इतने पॉपुलर अभिनेता माने जाते हैं, और साथ ही हर कोई अभिनेत्री इन्हें बेहद पसंद करती है और साथ ही इनका ख्वाब देखती है। लेकिन वहीं दो अभिनेत्रियों ने इनका दिल तोड़ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेत्री श्रुति झा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही होंगे भाग्यवती भव सीरियल में एक साथ काम करने के दौरान हर्षद चोपड़ा और अभिनेत्री श्रुति झा को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन श्रुति झा ने इन्हें धोखा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, श्रुति झा ने किसी और से ही प्यार कर लिया, जिसके चलते हर्षद चोपड़ा को इनसे धोखा मिला और हर्षद चोपड़ा बेहद ही टूट गए, जिसके बाद इनकी जिंदगी में आई जेनिफर विंगेट। जी हाँ, जेनिफर विंगेट इनकी जिंदगी में आई, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के साथ सीरियल में काम करते हुए एक दूसरे से प्यार हुआ और हर्षद चोपड़ा को भी जेनिफर विंगेट से शिद्दत वाला लव हो गया था, लेकिन जेनिफर विंगेट से भी मिला इन्हें धोखा। जी हाँ दोस्तों, जेनिफर विंगेट से जब हर्षद चोपड़ा ने अपने प्यार का इजहार किया, तब जेनिफर विंगेट ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, श्रुति झा और अभिनेत्री जेनिफर विंगेट ही हैं जिन्होंने तोड़ा है अभिनेता हर्षद चोपड़ा का दिल। तो आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।